टॉपिक नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्लास 5 एक्सरसाइज है बच्चों 1C इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मिस्टर अहमद इज अ सेल्स मैनेजर एट मोबाइल कंपनी। हिज सैलरी इंक्लूड्स कमीशन एंड बेसिक सैलरी। हिज बेसिक सैलरी इज ₹25,000 पर मंथ एंड ही इज गिवन ₹325 फॉर द सेल ऑफ ईच मोबाइल। इफ हिज टोटल सैलरी फॉर लास्ट मंथ वॉज ₹227,800 हाउ मैनी मोबाइल्स डिड ही सेल लास्ट मंथ। इसका मतलब ये है बच्चों मिस्टर अहमद एक मोबाइल कंपनी में सेल मैनेजर हैं, ठीक है, और उनकी जो बेसिक सैलरी है वो 25,000 है और उन्हें एक मोबाइल सेल करने पे जो कमीशन मिलता है वो 325 रुपीज़ है। अगर उनकी लास्ट टाइम जो पहले की सैलरी थी वो 227,800 थी तो हमने बच्चों बताना है हाउ मैनी मोबाइल्स डिड कि उन्होंने फिर लास्ट टाइम कितने मोबाइल बेचे थे तो उनका कमीशन उसकी बेसिक सैलरी में ऐड किया था तो फिर जाकर 227,800 सैलरी थी उनकी, ठीक है। सोल्यूशन है बच्चों बेसिक सैलरी ऑफ अहमद की बेसिक सैलरी क्या है ₹25,000। अहमद सैलरी फॉर लास्ट मंथ उसे सैलरी के सैलरी और कमीशन दोनों कितने मिले थे 227,800। कमीशन अमाउंट हमने सिर्फ कमीशन फाइंड करना है विदाउट सैलरी तो हम बच्चों क्या करेंगे कमीशन और सैलरी दोनों में से जो बेसिक सैलरी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 2,800, ठीक है। तो उसका जो कह लें कि सैलरी के बगैर जो कमीशन था वो ये था। अब बच्चों बताना है कि ये कमीशन उसे कितने मोबाइल्स बेचने पर मिला था तो वो फाइंड कर देंगे नंबर ऑफ मोबाइल्स सोल्ड कितने उसने मोबाइल बेचे थे तो जो उसका टोटल कमीशन था कमीशन में से एक मोबाइल बेचने में जो उसे कमीशन मिलता है उसे टोटल कमीशन से हम बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 624 मोबाइल्स। इसका मतलब कि उसने अगर एक मोबाइल बेचता था तो उसे 325 कमीशन मिलता था। अगर उसने 624 मोबाइल्स बेचे थे तो फिर उसे मिला था कमीशन 2,800, ठीक है। आगे बच्चों एक्सरसाइज 1D उसमें बच्चों हमने बोर्ड मैथ्स रूल को फॉलो करना है तो बोर्ड मैथ्स में बी फॉर बच्चों तब ब्रैकेट्स ओ फॉर ऑर्डर डी फॉर डिवीजन ए फॉर और सॉरी एम फॉर मल्टीप्लिकेशन ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड मिसिंग नंबर। जो हमें बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें हमने मिसिंग नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया 7 × 5 + 2 = 7 ये जो बॉक्स दिया गया है फिर प्लस बॉक्स मल्टीप्लाई 2 तो हमने इसको कैसे फिल करना है तो बच्चों आपने कह लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करते हुए जो बाहर वाली वैल्यू है उसको 1 by 1 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखिए 7 × 5 फिर प्लस का मिडिल में साइन है तो वो हमें लिख रही है एडिशन फिर 7 को किसके साथ नेक्स्ट वैल्यू है 2 तो 7 × 2 यहाँ पे बॉक्स में 7 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 वाला है इसको वैसे करेंगे 8 × 6 फिर 8 को जब 7 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो मिड में प्लस का साइन आएगा तो 8 × बॉक्स में क्या आएगा 7, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके अल्लाह।